अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में। फ्लटर गूगल की तरफ से एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन एक ही बेस कोड से आप उन्हें बना सकते हैं। बेसिकली ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, तो फ्रंट एंड का काम इसमें ज़्यादा होता है, बाकी बैक एंड का नेटिवली आप एंड्रॉयड को एंड्रॉयड में है उसको iOS में भी कर सकते हैं। और इनके लिए कुछ पोर्टेबल पैकेजेस भी मौजूद होते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि एक ही पैकेज है आपका फाइल पिकर है, कह लें फाइल को आपने पिक करवानी है गैलरी से, तो वो विंडोज़ के लिए भी है, मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए भी है। तो बैकेंड की चीज़ें आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी कैसे करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आपने आ जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट पे आके। यहाँ से आप क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन ये होगा आपने जस्ट डाउनलोड इसको करना है। डाउनलोड हो जाएगा सेटअप तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में कोई ऐसा कोई इजाफी चीज़ नहीं है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और जब एंड पे फिनिश आएगा तो आपने इसको लॉन्च कर लेना है। एक दफ़ा जब लॉन्च करेंगे तो तब भी कुछ कंपोनेंट्स रन टाइम पे डाउनलोड होने हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है, जस्ट उनको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और डाउनलोड होने देना जब तक वो सारे डाउनलोड हो ना जाएं। अगर कहीं पे कोई एरर आता है तो रीट्राई का भी ऑप्शन आएगा, आपने रीट्राई करनी है और इसको क्लोज़ नहीं करना जब तक सारे डाउनलोड ना हो जाएँ। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने आके यहाँ से फ्लटर SDK डाउनलोड कर लेना है। तो फ्लटर का जो लेटेस्ट चल रहा होगा वर्जन वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, चाहे तो इधर से कर लें, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए इस ज़िप फाइल को आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर एक बिन का फोल्डर होता है, उसका हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पास देना होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये फ्लटर का जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट किया है सी के अंदर, तो इसके अंदर ये बिन का फोल्डर मौजूद है। आपने इसका पाथ यहाँ से कॉपी करना और सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, और इसमें जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपने यहाँ पे देखना है पाथ का वेरिएबल ये पड़ा हुआ है, और इसको एडिट करेंगे। इसको एडिट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर न्यू और ला के वो फ्लटर का बिन का पाथ आप पेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पर पहले ही किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और चेक करना है कि क्या फ्लटर के लिए जो चीज़ें हमने की हैं वो सारी इंस्टॉल हो गई हैं या नहीं, या कुछ चीज़ मिसिंग है तो ये हमें उसके लिए बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम तर चेक्स यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं। सो आपका अगर आप इंस्टॉल जब करेंगे या इसको रन करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद तो क्या होगा, कुछ एरर्स आएंगे, जैसा कि ये विजुअल स्टूडियो का एरर आ रहा होगा अक्सर, ये विंडोज़ के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड की टेस्टिंग के लिए इस एंड्रॉयड टूल चेन का और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का इसका टिक मार्क लगा होना ज़रूरी है। बाकी आपको भी VS कोड चाहिए या एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी हम कोड कर सकते हैं, तो मैं VS कोड को ही लेके चलूँगा क्योंकि ये वो लाइट वेट होता है ज़रा सा। सो इस तरह से आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं फ्लटर को। अल्लाह हाफिज़।